मैं काले भाठे पर तेल नहीं चढ़ाता। समझे क्या बोला? काला भाठा समझते हो? शनि के ऊपर तेल चढ़ा रहे, शनि जी हमारा कल्याण कर देंगे। अरे तुम्हारे ऊपर शनि चढ़ता, पाकिस्तान वालों पर क्यों नहीं चढ़ता है? ये चीन वालों पर क्यों नहीं चढ़ता? ये इराक ईरान पर क्यों नहीं चढ़ता? अरे यदि शनि होता है तो चढ़ा दो इसको अमेरिका पर। शनि केतु राहु भूत प्रेत सब तुम पर ही चढ़ते हैं। यदि भूत प्रेत होते हैं तो लगा दो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर पर, हटा दिया सबको वहां से। वेद में मंत्र आता है दिवम आरोहम, इस धरती पर नहीं तुम द्युलोक में चढ़ जाओ। तुम्हारे ऊपर शनि कैसे चढ़ जाएगा धरती से लाखों किलोमीटर दूर? पढ़ते हो कुछ? लाखों किलोमीटर दूर शनि धरती से कई गुना बड़ा, तेरे ऊपर चढ़ेगा तेरी चटनी निकल जाएगी। शनि चढ़ा पड़ा है इसके ऊपर। पढ़ते हैं साइंस और बात करते हैं नॉन साइंटिफिक। ये जवान आजकल के डॉक्टर साइंटिस्ट, मैं इसलिए इस बात को कहता हूं, तुम हिंदुस्तान की धरती पर पैदा हुए हो, किसी ढोंग में मत फंसना, किसी पाखंड में मत फंसना, किसी बाबा के बहकावे में भी मत आना। बहुत से बाबा बहकावा करते रहते, बोले कृपा हो जाएगी, बोले महाराज नंबर कम आए, बोले ऐसा करना वो समोसा खा लेना, बोले महाराज समोसा तो खाया था कृपा नहीं भी, बोले कैसे खाया था, बोले हरी चटनी के साथ खाया, तो बोले इस बार लाल चटनी के साथ खा लेना। बहुतों ने कृपा का कारोबार कर रखा। भाई देखो मैंने कहा जो भी सोचो भाई, यदि शनि राहु केतु भूत प्रेत चढ़ते हैं तो सब पर चढ़ने चाहिए। जो भी तुम्हारे सामने बात आए, क्या वो साइंटिफिक है, क्या वो यूनिवर्सल है, यदि सब जगह शनि की तो राहु चढ़ते हैं भूत प्रेत चढ़ते हैं तो मान लेना। मैं अभी नेपाल में गया, अभी मैं